हेलो नमस्कार साथियों, आज यानी कि 29 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा सबसे पहला सवाल, अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता? तो ये आपको मनाया जाता 29 मई को। अब आपको जानने की बात है कि ये 29 मई को ही क्यों मनाया जाता है। तो आप सभी लोग को पता है कि जब पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किसने की थी, तो आपके मन में दो व्यक्तियों का नाम आता है, वो हो जाते हैं नेपाल के बच्चे याद रहे हो जाते हैं टेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिटली। याद रहेगा 29 मई 1953 की बात है, यानी कि 70 साल पहले की बात है, पहली बार इन दोनों लोगों ने याद रहेगा माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ाई की थी 29 मई 1953 को। उसी के याद में हर साल 29 मई को इस दिवस को मनाया जाता है। हालांकि इसे पहली बार कब मनाया गया था, तो 2008 में इसे पहली बार मनाया गया था, जिस वर्ष एडमंड हिलरी का याद रहेगा बच्चे क्या हुआ था, तो जिस वर्ष एडमंड हिलरी का निधन हुआ था। तो याद रखना है 29 मई को हर साल माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, पहली बार 2008 में मनाया गया था। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि टेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी ने पहली बार 1953 में इसकी 29 मई को ही चढ़ाई की थी। अब बच्चे आप लोग को बहुत सारा सवाल आता है कि सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले, पहली बार चढ़ाई करने वाले, पहली भारतीय, सबसे ज्यादा बार भारतीय, वो विदेशी, मतलब कि ना जापान के ना भारत के, वो विदेशी बच्चे जो माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ाई किए, इस तरीके के तमाम सवाल आपसे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं बच्चे, अगर आपने याद कर रखा होगा कि सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले कौन हो जाते हैं, तो कामी रिम्पा शेरपा। इन्होंने बच्चे पिछले साल तक 26 बार चढ़ाई किया था, तो इस वर्ष इनकी रिकॉर्ड को बराबरी कर लिया था पासांग दावा शेरपा के द्वारा। ठीक है, लेकिन हाल में कामी रिम्पा शेरपा फिर से एक बार चढ़ाई कर लिया, तो 27 बार हो गया। लेकिन फिर से ये जो व्यक्ति है पासांग दावा शेरपा, इन्होंने फिर से एक बार और चढ़ाई इस वर्ष कर ली। ठीक है, एक बार और चढ़ाई इस वर्ष कर लिए, तो याद रहेगा 27 बार दो व्यक्तियों ने चढ़ाई की है अभी तक। ताजा अपडेट के अनुसार दो बार इस बार चढ़ाई कर लिए, एक बार कामी रिम्पा शेरपा और पासांग दावा शेरपा, 27 बार सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले ये माउंट एवरेस्ट पर। और इस तरीके के तमाम खबरों, ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट के बारे में सब कुछ, भारत के कितने लोग चढ़े, पहली बार सबसे हुआ, इन सब चीज की जानकारी प्राप्त करेंगे अपनी सुबह में 360 डिग्री वाली क्लास, अति महत्वपूर्ण क्लास होती है, वहां से सवाल बहुत बार पूछे जाएंगे आपसे, जो कराऊंगा कल सुबह में यानी कि 6 बजे 30 मई को जो कराऊंगा। तो आप एक सवाल का नाम, सवाल का जवाब बता दीजिएगा कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, या नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, इस सवाल का जवाब जरूर बताएगा। और ये बच्चे अपनी सुबह में रोज क्लास होती है लाइव देख, रोज सुबह 6 बजे 360 डिग्री वाली क्लास है, करंट प्लस एस्थेटिक मानचित्र के साथ, तो इस क्लास को जरूर देखिए, आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होती है। इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक से इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।